नमस्कार, मैं डॉक्टर विक्रांत, वर्किंग एज ए रेस्पिरेटरी कंसल्टेंट एट प्रेम हॉस्पिटल पानीपत। आज वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे या फिर साधारण भाषा में वर्ल्ड टीबी डे पे हम आज ट्यूबरक्लोसिस या टीबी के बारे में बात करेंगे। इसके क्या कारण हैं, क्या लक्षण हैं और क्या इससे हम सावधानी से इसका बचाव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे जो 24 मार्च को हम हर साल मनाया जाता है। ट्यूबरक्लोसिस क्या होती है? ट्यूबरक्लोसिस एक इन्फेक्शियस डिजीज है, इन्फेक्शियस बीमारी है जो कॉमनली फेफड़ों को अफेक्ट करती है, दूसरे अंगों को भी अफेक्ट कर सकती है। ये एक इन्फेक्शन होता है, माइक्रोबैक्टीरियम इन्फेक्शन, जो शरीर के अंदर चला जाता है। टीबी के लक्षण है सामान्यतः खांसी आना, खांसी के साथ बलगम, कभी कभी बलगम के साथ खून भी आ सकता है, बुखार आना जो कि शाम को आता है, शरीर में कमजोरी रहना, भूख ना लगना और वजन कम होना, कभी कभी रात में पसीने भी आ सकते हैं। ये सारे इसके लक्षण हैं। और ट्रीटमेंट क्या है इसमें? हम 6 महीने का इलाज करते हैं जो कि RNTCP या गवर्नमेंट की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है। इसके हम बचाव कैसे कर सकते हैं? जैसे कि कोई भी पेशेंट या किसी भी के घर में कोई भी पेशेंट है जो ट्यूबरक्लोसिस से अफेक्टेड है, उससे हम थोड़ा दूरी मेंटेन करके रखें, दूरी बना के रखें। दूसरा, इससे इम्यूनिटी हमारी पूरी कंप्लीट करके रखें, अच्छी डाइट लें और हम हाइड्रेशन मेंटेन करके रखें। कफ हाइजीन का सबसे इम्पोर्टेंट रोल है इसमें, इसको टीबी, क्योंकि ये एक दूसरे से फैल जाती है, तो टीबी से बचने के लिए कफ हाइजीन का इम्पोर्टेंट रोल है। इसमें क्या करना होता है कि जब भी आप खांसी करें तो ट्राई करें कि कपड़ा मुंह के ऊपर लगाएं या हाथ रखें, उनको हाथ को अच्छे से सैनिटाइज करें। तो ये एक इम्पोर्टेंट है एक दूसरे से बचाव के लिए। इम्यूनिटी का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है। अगर आपके घर में कोई पेशेंट है जिसको ट्यूबरक्लोसिस है, उसकी भी इम्यूनिटी और आप दूसरे लोगों की इम्यूनिटी पूरी बना के रखिए। हाई प्रोटीन डाइट खाइए और अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।